हेलो दोस्तों, महेश ट्यूब में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। आज एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स की हैं। तो इन शॉर्ट ट्रिक्स में जैसे मैं आपको सिखाऊंगा कि किसी क्वेश्चन को ड्यूरिंग द एग्ज़ाम टाइम आप कैसे शॉर्ट ट्रिक के हेल्प से इजी तरीके से कम टाइम में, मतलब जितना कम टाइम हो सके उतने कम टाइम में आप उसको कुछ सेकेंड्स में, 10 to 15 seconds में या मुश्किल से 20 सेकंड्स के अंदर अंदर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज जो हम ट्रिक सिखाने वाले हैं या सीखने वाले हैं वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा कि कैसे किसी इक्वेशन को कितना जल्दी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या मतलब ये होता है कि किसी भी इक्वेशन में, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि किसी भी चीज़ को इक्वेशन क्यों बोलते हैं। मतलब इक्वेशन देखिए, मान लीजिए मैं एक एक्सप्रेशन लिख गया x + 2y, तो ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है, इसको एक व्यंजक बोलेंगे। ये अभी इक्वेशन नहीं है। जब इसमें इक्वल का साइन लग जाएगा, इक्वल का साइन लगाने के बाद कुछ भी हो गया, लेट्स से 0 हो गया, 5 हो गया, 15 हो गया, या x हो गया, z हो गया, y हो गया, कुछ भी हो गया, जब इक्वल का साइन लग जाएगा उसके बाद ही ये इक्वेशन बनता है, तभी हम इसको इक्वेशन बोल पाते हैं। अगर इक्वेशन का साइन नहीं लगा है तो हम इसको इक्वेशन नहीं बोलते। अब इक्वेशन कई टाइप की होती है, 1 power की होती है, मतलब लीनियर इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ये होता है कि जो एक्स एक ही वेरिएबल है, वहाँ पर वेरिएबल या तो एक्स है, वाई है, जेड है, वेरिएबल एक ही वेरिएबल है, बट उसकी मैक्सिमम जो पावर है वो 2 है। राइट, मैक्सिमम पावर 2 है एंड वेरिएबल एक ही है, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही पढ़ रहे हैं, इसी में आगे बढ़ेंगे और हम ट्रिक सीखेंगे कि किसी भी इक्वेशन को कितनी जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। जनरली आज हम देखते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको स्कूलिंग लेवल में, मतलब कि इवन आप प्राइमरी स्कूल में मतलब पढ़ते हैं, मिडिल स्कूल में पढ़ते हैं, मिडिल क्लासेस में, 9th-10th में रहता है, 11th-12th में भी रहता है, बैंकिंग एग्जाम में पूछता है, SSC एग्जाम में पूछता है, ऐसे कई सारे एग्जाम होते हैं छोटे लेवल के, कई सारे एग्जाम, छोटे लेवल कहना तो अच्छा नहीं होगा क्योंकि सभी एग्जाम अपनी अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ऐसे इतने सारे एग्जाम होते हैं जहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बैंकिंग एग्जाम में तो 5-5 इक्वेशन भर भर के आते हैं, 5 इक्वेशन मतलब 5 क्वेश्चन आएंगे, एक एक क्वेश्चन में 2-2 वेरिएबल रहेंगे एक्स एंड वाई के। ठीक है, उनमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी, उन्हें 5 ऑप्शन दिए रहते हैं और उन 5 ऑप्शन से उनकी रूट्स को फाइंड करके उनकी वैल्यू को कंपेयर करना होता है एंड देन ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो उसी में आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, देखिए जो इक्वेशन रहती है उनमें से 5 ऑप्शन ऐसे रहते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फाइंड द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन, ऐसे 5 इक्वेशन मतलब ऑप्शन रहते हैं, x > y, x > r = y, x < y, x < r = y, x = y, r रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई कैन नॉट बी एस्टेब्लिश, इस टाइप के ऑप्शन बैंकिंग में रहते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन आपको स्कूलिंग लेवल पर या हर जगह, जरूरी नहीं कि हर जगह मिले, ठीक है, बट बैंकिंग में कुछ जगह ऐसे ऑप्शन रहते हैं। आपको तो ये सीखना है कि हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कितनी जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको वो ट्रिक सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, जनरली होता क्या है कि मैं आपको बताता हूँ। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूप होता है, फॉर्म होता है, वो ax² + bx + c = 0 फॉर्म का होता है। इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम कई सारी मेथड जानते हैं। एक तो फार्मूला मेथड होती है, क्या होती है, x = -b + -√b² - 4ac / 2a। एक तो ये मेथड होती है, फैक्टराइजेशन भी कर लेते हैं, दूसरी फैक्टराइजेशन मेथड होती है ना, फैक्टराइजेशन मेथड। तीसरी मेथड मैं आपको जो सिखाने वाला हूँ वो शॉर्ट ट्रिक है दरअसल, ये फैक्टराइजेशन मेथड जो सेकंड है इसी का पार्ट है, मतलब कि बीच वाला जो पार्ट्स होता है ये bx वाला, इसको हम स्प्लिट करते हैं 2 parts में, ब्रेक करते हैं। ठीक है, और उसी की हेल्प से हम आंसर फाइंड करते हैं। ठीक, चलिए एग्जांपल के लिए मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें 2 statements है, ये एक x के फॉर्म में दिया, दूसरा y के फॉर्म में। तो पहले इक्वेशन से x की वैल्यू आपको निकालनी है। अफकोर्स देखिए, इतना तो आप समझ सकते हैं कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x की मैक्सिमम वैल्यू 2 निकलेगी, है ना, 2 value निकल सकती है x की। y की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो y की भी 2 value निकल सकती है ना, इतना तो आप जानते हैं कि x की पावर मान लीजिए कि n है तो आप x की n values निकलेंगी, हो सकता है वो सभी सिमिलर हो, डिफरेंट हो, कुछ भी हो सकती है वैल्यू,
बट एक्स की एन वैल्यू निकलेगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप ध्यान रखना कि एक्स की फॉर्म है अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो उसकी दो वैल्यू निकलेगी। कभी कभी वो कैंसिल हो जाता है तो अपने को लगता है कि नहीं नहीं एक तो कैंसिल हो गया तो एक ही वैल्यू निकल रही, नहीं ऐसा नहीं है। जो टर्म्स कैंसिल हो जाता है उसकी भी तो वैल्यू होती है अपने आप में, उसकी जीरो वैल्यू होती है। ठीक, चलिए मैं जो सिखाने वाला हूँ, मान लीजिए पहला स्टेटमेंट लेता हूँ मैं, पहला एक्स स्क्वायर ठीक है माइनस सेवन एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। मैं क्या सिखाने वाला हूँ, ये जो पहला है एक्स स्क्वायर का यहाँ पर कोएफिशिएंट वन है, तो आप इस सिक्स को देखिए, जो भी यहाँ करूँगा ये करना है आपको चिन्ह सहित, साइन सहित, विथ साइन करना है आपको। ठीक, तो इस प्लस सिक्स, ये प्लस सिक्स है कॉन्स्टेंट टर्म, इसमें एक्स का मल्टीपल नहीं है, कॉन्स्टेंट टर्म को इस एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है आपको। तो सिक्स का प्लस सिक्स का मल्टीप्लाई वन के साथ किया तो कितना आया, प्लस सिक्स आया। ठीक है, ये प्लस सिक्स आया, राइट, इस प्लस सिक्स ये आ गया। अब इस बीच वाले पार्ट्स को माइनस सेवन एक्स को, इसको बीच वाले पार्ट्स को इस दो पार्ट्स में ऐसे ब्रेक करना है कि उन दोनों का सम माइनस सेवन एक्स आए, माइनस सेवन आए। ठीक है, और उन दोनों जो पार्ट्स में आप ब्रेक किए, दो पार्ट्स में जिन तोड़े हैं उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस सिक्स आए। ठीक है, तो क्या हो सकता है, माइनस सिक्स माइनस वन हो सकता है, दो पार्ट्स इन दोनों को ब्रेक किया, इस सेवन एक्स को, मैं सेवन एक्स को आप गोली मारिए अभी तो हटा दीजिए, एक ही बात है, लेंगे तो भी आंसर वही आएगा, नहीं लेंगे तो भी आंसर वही आएगा। ठीक है, इस सेवन को हमने माइनस सेवन को दो पार्ट्स में ब्रेक किया, माइनस सिक्स एंड माइनस वन, इन दो पार्ट्स में ब्रेक किया, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम अभी भी माइनस सेवन ही आएगा जो यहाँ पर पहले से मौजूद है। ठीक, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, प्लस सिक्स आएगा। ठीक है, प्लस सिक्स मतलब अपना करेक्ट है कैलकुलेशन। ठीक, अब देखिए करना क्या अपने को, x की दो वैल्यू निकलेगी, तो x की जो वैल्यू अपने को निकालनी है, इन दोनों को जो चिन्ह आया है, चिन्ह सहित मतलब साइन जो है उसको उलट देना है, क्या करना है, उल्टा कर देना, प्लस है तो माइनस है, माइनस कर देना है, माइनस है तो प्लस कर देना है। ठीक, जो भी चिन्ह है पहले से, दोनों प्लस है तो दोनों को माइनस कर देना, जो भी प्लस है माइनस है उनका चिन्ह बदल देना है। और क्या करना है एक्स्ट्रा में, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट है उसको उससे डिवाइड कर देना है, मतलब प्लस का, अगर ये माइनस सिक्स है तो ये प्लस सिक्स हो जाएगा और डिवाइड करना है वन से। ठीक, इज इक्वल टू ये सिक्स हो गया, दूसरी वैल्यू क्या होगी, ये माइनस वन है तो माइनस वन का ये प्लस वन हो जाएगा और डिवाइड किससे करना है, इसके कोएफिशिएंट वन से, तो ये वन आ गया। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, एक्स की दो वैल्यू आई, एक वन और एक सिक्स। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, यही तरीका अपने को अपनाना है हर जगह, यही तरीका अपनाना है। क्वेश्चन को आप चुटकियों में कर पाएंगे, चुटकियों में, ठीक है, जैसे दूसरा इसी का दूसरा स्टेटमेंट जो दिया, टू वाई स्क्वायर माइनस एट वाई प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसको करिए, देखिए ये प्लस सिक्स को आपको इस वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। क्या दिया है इक्वेशन, टू वाई स्क्वायर माइनस एट वाई प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, ये दिया इक्वेशन। अपने को क्या करना है, इस प्लस सिक्स को इस प्लस टू के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कितना आएगा, ट्वेल्व आएगा। ठीक, अब इस बीच वाले पार्ट्स को ब्रेक करना है दो पार्ट्स में, माइनस एट को, अपने को माइनस एट को दो पार्ट्स में ब्रेक करना है, तोड़ना है कि उन दोनों का सम तो माइनस एट ही आए पर जो दो पार्ट्स होंगे उनका मल्टीप्लीकेशन प्लस ट्वेल्व आए, चिन्ह सहित प्लस ट्वेल्व आए। ठीक है, तो देखिए कैसे कर सकते हैं इसको, एक माइनस सिक्स कर दें, एक माइनस टू कर दें, दोनों का सम क्या आएगा, माइनस एट ही आएगा और दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, प्लस ट्वेल्व आएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इनका चिन्ह बदल देंगे और बाई स्क्वायर का जो भी मल्टी कोएफिशिएंट है, गुणांक है, उससे डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए ये बाई स्क्वायर है तो बाई की दो वैल्यू निकलेगी, अब देखिए ये माइनस सिक्स है तो प्लस सिक्स, और ये प्लस सिक्स हो गया और डिवाइडेड बाई इसका कोएफिशिएंट टू इज इक्वल टू थ्री, एक तो थ्री आ गई, दूसरी क्या आएगी, माइनस टू है तो इसको प्लस टू हमने कर दिया, उल्टा चिन्ह कर दिया, बदल दिया और टू से डिवाइड कर दिया, तो ये टू इज इक्वल टू वन। मतलब वैल्यू क्या आई बाई की, एक तो थ्री आई एक तो वन आई। ठीक है, इसी तरीके से अपने को करना है। अब जो एक्स के वाई की वैल्यू आई है, तो जो भी ऐसे मान लीजिए कि इस टाइप के ये स्टेटमेंट है ऐसे, तो आपको कंपेयर कर लेना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इतना तो आप कर सकते हैं। मैं आपको एक इक्वेशन में बता देता हूँ, समझा देता हूँ, ठीक है, कैसे कंपेयर करना है। एक्स की यहाँ पर वैल्यू आई वन सिक्स, बाई की वैल्यू आई है वन एंड थ्री, एक्स की वैल्यू आई है वन सिक्स, बाई की वैल्यू आई है वन एंड थ्री। अब देखिए कंपेयर कैसे करना है,
मान लीजिए एक्स की वैल्यू 1 लेते हैं आप, तो वाई की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू वाई हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए एक्स की वैल्यू आप 6 लेते हैं, तो वाई की वैल्यू 3 लें या 1 लें, दोनों केस में एक्स वाई से बड़ा होगा, ठीक है। मान लीजिए कि एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक्स की वैल्यू मान लीजिए कि आप 1 लेते हैं, वाई की वैल्यू 3 ही ले लेते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू वाई से छोटी हो जाएगी, ठीक। अब बताइए, ऐसे तीन ऑप्शन तो नहीं है कि एक्स इक्वल भी हो, ग्रेटर भी हो, लेस भी हो। मतलब इस कंडीशन में आप पांचवा ऑप्शन जो है एक्स इक्वल टू वाई और रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई कैन नॉट बी इस्टेब्लिश, मतलब एक्स एंड वाई के बीच कोई ऐसी स्पेसिफिक रिलेशनशिप नहीं बताई जा सकती कि इन दोनों को सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर इसका, इस क्वेश्चन का वो फिफ्थ वाला ई हो जाएगा, ठीक है। आपको ये इक्वेशन को सॉल्व करना है, वो तो कंपेयर तो आप इजीली, मुझे पता है कि आप कर लेंगे 100%, ठीक है। चलिए इसी का जो दूसरा क्वेश्चन था मैं उसको देखता हूँ। ये दूसरा क्वेश्चन है, अभी मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगले पेज पर कर लेते हैं। देखिए ये क्या दिया है, 3x² + 13x - 16, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई अपने को करना है, ये जो देखिए ये प्लस एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर 3 है, इसको अगले पेज में लिखते हैं, 3x² - 13x - 16। वो 3x² + 13x - 16 = 0, ठीक है, ये इक्वेशन गिवेन है। क्या करना है अपने को, इस माइनस 16 को इस प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 16 × 48 कितना आएगा, माइनस 48 आएगा, ठीक है। अब ये जो 13 है बीच वाला पार्ट, मिडिल पार्ट, प्लस 13 है, इसको ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करना है कि उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये -48 आए और उन दो पार्ट्स का सम जो है +13 ही आए। तो देखिए +13 है, अगर दोनों को मैं प्लस प्लस लूँगा तो क्या होगा, उनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, +38 आएगा। अगर दोनों प्लस प्लस होंगे, मान लीजिए मैं दोनों प्लस प्लस लेता हूँ, तो उनका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, प्लस ही आएगा। पर अपने को चाहिए क्या, -48 चाहिए, माइनस चाहिए, मतलब एक प्लस हो एक माइनस हो ऐसा कुछ। तो बाय द वे मैं इसको बताऊं, तो अगर आप इसको 16 ले लेते हैं, 16 × 48 और -3, ये ब्रेक करना आपको ही पड़ेगा, ठीक है, एग्ज़ाम टाइम में भी आपको ही करना पड़ेगा, ये तो मैं अभी बता सकता हूं, बट इसकी आप प्रैक्टिस करें। 16 और -3 लेते हैं, तो देखिए इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे, सम करेंगे, तो +13 आएगा, ठीक है, +13 आएगा, और जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -48 आएगा, ठीक है। अब देखिए अपने को करना क्या है, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इनका चिन्ह बदल के इससे एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देना, तो 16 का ये -16 हो जाएगा और इससे -3 हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस -3 है तो ये +3 हो जाएगा और -3 मतलब ये 1 आ जाएगा, ठीक है, मतलब -16/3 and 1, ये आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक। सेम चीज़ अब दूसरा इक्वेशन जो है ये y² - 4 - 5 / +4 है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, y² - 5 / +4 दिया है ना, इज इक्वल टू 0। तो देखिए इसका 1 है कोएफिशिएंट, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। और -5 जो है इसको ब्रेक करेंगे दो पार्ट्स में, तो -1 and -4 में ब्रेक कर दिए, तो इन दोनों का सम क्या आएगा, -5 आएगा, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 आएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, इनका चिन्ह बदल दीजिए और इसका कोएफिशिएंट 1 है तो 1 से डिवाइड कर दीजिए, तो -1 का +1 / 1 and -4 का ये +4 और ये / 1 आंसर आ गया, ठीक। बस यही अपने को करना है। अब आप ऐसे चाहे जितने इक्वेशन है, जितने क्वेश्चन है, सबको सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए ये इस थर्ड क्वेश्चन में क्या है, पहला जो है एक्स वाला, x² + 11x + 30 = 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है इधर, तो 1 को आपको 30 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 30 आ जाएगा, ठीक है। अब 11 + 11 है, इसको ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करना है, तोड़ना है आपको, कि उनका सम जो है 11 आए और मल्टीप्लिकेशन क्या है, 30 आए। तो आप क्या करेंगे, 5 and 6 में दो पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे
पर आपको एक्स की वैल्यू क्या लिखनी है, एक्स की वैल्यू तो आपको इनका चिन्ह बदल के एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बाय द वे 1 है, तो 1 से डिवाइड करने पर सेम आएगा, तो आपको क्या आएगा -5 एंड -6 आएगा, ये एक्स की वैल्यू आएगी। सेम चीज़ आप बाई के लिए कर सकते हैं, ये बाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो ये 72 है, 72 को 72 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 ही आएगा, और 17 है 17, 17 को आप दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे तो ऐसा पार्ट्स में ब्रेक करें कि 72 आए, तो 8 और 9, 8 9 72, तो बाई की वैल्यू बाय द वे यहाँ पर क्या आ जाएगी -8 -9, ठीक है। ये इसी तरीके से आपको करना है। अब आपको चाहे जितने क्वेश्चन मिल जाएँ, बस आपको तरीका सीखना है। 4-6 क्वेश्चन में आप प्रैक्टिस करेंगे ना, ये आपको सब कुछ आपकी फिंगरप्रिंट्स पर चलेंगे, उंगलियों पर चलेंगे, आप इनको ऐसे फटाफट सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें वैल्यू निकालते हैं, 10x² का कोएफिशिएंट 2 है तो 10 × 2 = 20 हो गया, ठीक 20, और ये -9x है, इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करना है, तो कितने पार्ट्स पर कैसे ब्रेक करें, -4 -5, तो जब -4 -5 में ब्रेक कर दिए हम, ठीक है, तो उन दोनों का सम -9 आया, डिवाइडेड चिन्ह बदल के 2 से डिवाइड कर दो एक्स स्क्वायर से, तो ये कितना हो जाएगा 2, और ये 5/2 मतलब 2.5 एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक ये एक्स की आ गई। इसमें बाई की देखते हैं, तो 16 और ये 3, तो 16 3 48 हो गया, ठीक है। अब इस 14 को, 14 देखिए -14 है -14 है, इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करना है कि 48 आए, 8 और 6 तो -8 क्या होगा, -8 -6, ठीक है, इनको 3 से डिवाइड करना है, तो देखिए बाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये तो +6/3 मतलब 2 हो गया 1, और ये -8 का +8/3, बस ये दो वैल्यू आ गई, ठीक है 2 और -8/3, ठीक। सेम चीज़ इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, देखिए ये 28 है +28, ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है तो 28 × 2 = 56 हो गया, ये -15 है तो -15 को आप दो पार्ट्स में ब्रेक करें, 8 × 7 = 56, तो कितना होगा 8 और ये 7, दोनों क्या माइनस के साथ आएंगे, और जब x की वैल्यू निकालेंगे और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये -8 का +8/2 मतलब 4, और ये 3.5 सेकंड वाला, ठीक x की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू इसमें देखिए, अब सेकंड से निकालेंगे तो ये 30 है, ये 4 है, तो 3 × 2 = 12 मतलब 120 हो गया। अब इस -15 को दो पार्ट्स में ब्रेक करना है, कैसे कर सकते हैं कि उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या है 120 ही आए, ठीक, और जो दोनों का सम हो वो कितना हो -15 हो, तो अब बताइए अब आपको ये कैलकुलेशन करना है, 3 × 2 = 12 हो गया, -15 तो -15 अगर आप मान लीजिए इसको आधा आधा करते हैं 8 × 7 तो छोटा हो जाएगा, मतलब आपको 16 20 लेते हैं तो 20 × 5 = 100 21 लेते हैं तो 21 × 6, ठीक है आपको वैल्यू ही निकालनी है कुल मिला के, हो सकता है इक्वेशन ये गलत हो, टाइपिंग करने में कुछ हो गया हो, ठीक है एक्चुअली ये 23 है -23, तो इसको आप ब्रेक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू निकल जाएगी, कैसे ब्रेक करेंगे इसको, ये 23 है, 23 को ब्रेक करके बताइए 16, मान लीजिए कि अगर 23 है तो 10 × 11 कितना ज़्यादा हो जाएगा, तो आप 14 और 9 15 8, तो 15 × 8 15 × 120 120, तो -15 और -8 तो -15 का ये +15/4, ठीक है, और जो 8 आएगा तो -8 है तो उसका +8/4 मतलब ये 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप x एंड y की वैल्यू निकाल सकते हैं, उनको कंपेयर कर सकते हैं। कुल मिला के ये 5 क्वेश्चन से अपना जाइए, मैं 5 क्वेश्चन आपको ही बताया, आप इस पर बेस्ड में आपने तरीका सीखा। अब आप कितने भी बैंकिंग एग्जाम में, तो आप मानिए कि ये 5 क्वेश्चन आते हैं, आप 2 मिनट के अंदर अंदर 1 से 1.5 मिनट में आप कर सकते हैं 5 के 5 क्वेश्चन, आपको वो पक्के हो जाएंगे श्योर शॉट, कोई कन्फ्यूजन नहीं। बस आप इसकी कुछ 4-6 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, खुद सोचें जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम x² / y² जो भी स्क्वायरिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो जो स्क्वायर है उसके हमें कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, बीच वाले पार्ट्स को ब्रेक करना है दो पार्ट्स में, ठीक है, बस चिन्ह बदल के x² के जो कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देना है, वो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ऐसी ट्रिक मैं सिखाता रहूँगा, कैसा लगा लेक्चर आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में कोई और नई ट्रिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।